एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता के नो लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप कौन सा कलर अपने बालों में यूज करते हैं जो कि नुकसान भी ना दे और हमारा कलर भी हो जाए। आज के टाइम में बच्चे से लेके बड़े तक किसी का कुछ पता नहीं है किसके बाल कब सफेद हो जाए, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, खान पान अच्छा नहीं है, हम लोग उतनी केयर नहीं करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स अपने बालों में यूज करते हैं, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, पता नहीं क्या क्या अपने बालों में लगाते हैं। तो आजकल तो बच्चों बच्चों के बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो ये एक मजबूरी बन गई है कि हमें हमेशा कलर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं, पर मेहंदी में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मेहंदी में केमिकल्स नहीं होते हैं, अगर आप ओरिजिनल मेहंदी लगाएंगे पत्ते वाली तो आपको बिल्कुल भी वैसा कलर नहीं मिलेगा जो कि मार्केट वाली मेहंदी में मिलता है, क्योंकि उसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल्स। तो कुछ लोग मेहंदी लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कलर लगाना पसंद करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से आपको बालों में कलर अप्लाई करना चाहिए, तो तब मुझसे लोगों ने पूछा था कि मैम आप कौन सा कलर अप्लाई करते हैं। उस टाइम मैं करती थी लॉरियल का, अब मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं कलर्स में। तो अब मैंने एक ऐसा कलर अपने लिए चुना है जिसमें कि बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है, ये टोटली ऑर्गेनिक है। और मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि मैम बताइए कि कौन सा कलर यूज करें अपने बालों के लिए। तो पहले मैं भी ये केमिकल्स वाले ही कलर यूज करती थी, पर कुछ टाइम से मैंने चेंज किया है और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। ये कलर मैं खुद अपने लिए पर्सनली यूज करती हूँ, और अगर इससे भी कोई अच्छा कलर मुझे मिलता है तो मैं आपको वो भी जरूर बताऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं कौन सा कलर यूज करी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और किस तरह से कलर को अच्छे से अप्लाई करना होता है उसका वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑर्गेनिक कलर इंडस वैली का, और ये है जेल कलर। ये ऑर्गेनिकली नेचुरल हेयर कलर है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो ये देखिए, यही कलर मैं यूज़ करती हूँ फिलहाल अपने बालों के लिए। और यहाँ पे जो मैंने शेड लिया है मीडियम ब्राउन है, आपको 4 नंबर है ये, कोई PPD इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ये टोटली हर्बल है। और ये इंडिया के अलावा 4 और देशों में अवेलेबल है। ये जेल कलर है और काफ़ी अच्छा कलर आता है इससे। अगर आपके वाइट हेयर हैं तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और काफ़ी पुराना आयुर्वेदिक कलर है। और इसका अगर मैं रेट बताऊं तो 575 रुपीज़ है इस पैक का। इसमें 4 पाउच हैं जो कि आप 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ कि कैसा है, और फिलहाल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी कंपनी ने मुझे नहीं भेजा, ये मैं खुद ख़रीदा है मैंने, और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो इसे खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। तो इसके अंदर सबसे पहले ये ट्यूब मिली है जो कि आपने जब कलर यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा डेवलपर होता है, तो ये एक डेवलपर है। और ये जेल बेस्ड है और ये एलोवेरा जेल से बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो ये एक ऑर्गेनिक कलर है जो कि आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पे ये बड़ा सा पैकेट है, इसमें 4 पाउच हैं कलर के, जिसमें पाउडर फॉर्म में कलर होता है। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है और हमें क्या मिला है। और ये बॉक्स है, इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर हमें ये कॉम्ब मिली है, कॉम्ब और ब्रश दोनों एक साथ हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कलर करते टाइम। और ये यहाँ पे मैनुअल दी हुई है जिसमें आप पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लव्स हैं जो कि आपको ज़रूर वेयर करने चाहिए, पहनने चाहिए कलर करते टाइम। तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं। और इसके अलावा क्या मिला है, ये एक शैम्पू मिला है, ये भी हर्बल शैम्पू है जो आपको कलर करने के बाद इससे बाल अपने धोने हैं, और ये भी हर्बल शैम्पू है, कोई भी केमिकल वाली चीज़ें इसमें नहीं है। और ये 2 कंडीशनर के पाउच मिले हैं जो आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज़ करना है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपको अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्लास्टिक या कांच का बाउल लेना है, कोई भी स्टील का या किसी भी मेटल का बाउल आपको नहीं लेना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लव्स पहन लेंगे, तो ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, नहीं तो आपके हाथ बिल्कुल काले हो जाएंगे और कलर नुकसान भी कर सकता है, आपके हाथों को एलर्जी भी हो सकती है।
तो कभी भी कलर करते टाइम ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले ग्लव्स पहन लें। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको ग्लव्स मिले हैं, साथ में आपको कुछ भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये ब्रश निकाल लेती हूँ, इसमें आपको कॉम्ब भी मिला हुआ है, आपको अलग से कॉम्ब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रश है जिससे मैं इसे घोलूँगी, पहले मैं ये पैकेट खोल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है 4 पाउच कलर के, जो भी कलर आपने लिया है अलग अलग शेड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। मैंने यहाँ पे ये ब्राउन शेड लिया है, लाइट ब्राउन, तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, मैं यही यूज़ करती हूँ 4 नंबर। तो एक पैकेट मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रूट टचअप करना है, जिसके लिए बहुत कम लगता है कलर। अगर आपको पूरे बालों में करना है तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में है, तो मैं इसे पूरा खाली कर लेती हूँ। और ध्यान रहे कोई भी मेटल का बाउल आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कांच का या फिर प्लास्टिक का ही बाउल लेना है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा निकाल लिया है और ये काफ़ी है मेरे बालों के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है। और अगर आपको कलर ज़्यादा लगता है तो आप 2 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना हमने कलर लिया है उतना ही हमें ये जेल लेना है, डेवलपर लेना है। और यहाँ पे 4 हरी रंग की लाइनें बनी हैं ग्रीन कलर की, तो हमें एक पाउच के लिए एक ग्रीन लाइन तक जेल निकालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथ रखा हुआ है वहाँ तक, तो जहाँ तक ग्रीन लाइन है उतना आपको जेल निकालना है। तो यहाँ पर मैं अंदाजे से निकाल रही हूँ, जितना हमने कलर लिया है उसी हिसाब से हम जेल लेंगे, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब इसे हम इस तरह से ब्रश से मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर किसी और ब्रांड का भी कलर करते हैं तो आपने देखा होगा कलर होता है साथ में डेवलपर होता है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में आपको मिक्स करना होता है। सेम चीज़ वही आपको यहाँ पे भी करनी है। तो यहाँ पे हमने कलर लिया है जो कि पाउडर फॉर्म में है, आपको दूसरे अगर ब्रांड्स का लेते हैं तो उसमें क्रीम फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये जेल मिक्स करना है। और ये हमारा कलर तैयार हो गया, रेडी टू यूज़, इसे हम अब यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने बालों को मैंने खोल लिया है और बालों पे तेल नहीं लगाना चाहिए, जब भी आप कलर यूज़ करें तेल ना लगाएं बालों में। और किस तरह से प्रॉपरली कलर करना होता है अपने बालों को, उसका तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं रूट टचअप कर रही हूँ, सिर्फ मैं रूट्स में लगाऊँगी कलर। तो मैंने कलर लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा कलर जहाँ पे भी लग गया वो मैं टिश्यू पेपर से इस तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इस कलर को आपको आधे से पौन घंटे रखना है और उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है और कंडीशनर लगा लेना है जो साथ में मिला था। इसे मैं करीब पौन घंटे रखूँगी और उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन आपको दबाना है ताकि जैसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊं आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं किस टॉपिक पर, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जब आप लोग बताते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।